हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो मासी के घर से रात को आ गए थे और काफ़ी जो है लेट भी हो चुका था, करीब जो है 1 बज चुका था घर आते आते। तो अभी आज सुबह जो है थोड़ा सा उठने में हुआ है लेट। अभी जो है सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह जो है घर का निकाल लिया है, और सबसे पहले मित्तल की आज जो है छुट्टी है तो बनेगा उसके लिए सबसे पहले खाना। तो खाने में मैं क्या बना रही हूँ, उसको भूख लगी है। हाँ, ये देखिए मित्तल, आज स्कूल की छुट्टी बेटा। यस, आज स्कूल की छुट्टी है मित्तल की। तो अभी देखिए, सबसे पहले मैंने देखिए फिर यहाँ पर आटा जो है वो गूंथ के रख दिया है, और आलू की जो है मैंने बनाई अभी सब्जी। जो देखिए ये देखिए, ये देखिए आलू की सब्जी है यहाँ पर, एकदम नॉर्मल तरीके से बनाई है। बिल्कुल आलू और प्याज जो है मिक्स बनाई है, एकदम जो है राजस्थानी तरीके से बनाई है, और बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है और मेरी सबसे ज़्यादा जो है फेवरेट है। और जो मैंने थोड़े दिन पहले दाल बनाई थी उसको देखिए, उसके सारे काले वगैरह जो उसके दाल थी वो मैंने अच्छे से साफ कर ली थी। और अभी देखिए यहाँ पर मैंने देखिए ये बेसन जो है वो तैयार कर दिया है, एकदम बारीक बेसन पिसा है। ये करीब जो है 2 किलो का बेसन जो है मैंने बनाया है फ्रेंड्स, वो उसकी जो है बनेगी मित्तल के लिए नमकीन बनने वाली हैं। इसकी रेसिपी भी बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, बहुत ज़्यादा टेस्ट बनती हैं। 2 तरीके से बनाऊंगी मैं इसकी नमकीन। तो अभी जो है मैं इसको डाल देती हूँ अंदर बेसन को। ये देखिए ये है डिब्बा मेरे पास में, इसके अंदर डाल दूंगी तो ये ख़राब नहीं होगा इसके अंदर। और मासी जो हैं आज जाने वाली हैं, शायद चले भी गए होंगे, उन्होंने बोला था कि हम सुबह जल्दी निकल जाएंगे, तो यहाँ पर घर नहीं आए मिलने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर 2 बार चली गई थी मिलने के लिए और उनको भी लेट हो रहा था इसलिए वो नहीं आए पाए। अगली बार आएंगे तो मिल के जाएंगे। तो अभी फ्रेंड्स मैं जो है बेसन डाल दूँगी डिब्बे में, ये करीब जो है 2 से 2.5 किलो का बेसन है जो मैं एक साथ में पीस के रख देती हूँ, और जब भी नमकीन वगैरह बनाती हैं तो आराम से बना सकते हैं। ये बेसन जो है 4 महीने तक आराम से जो है चल जाता है, ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी कीड़े वगैरह जो इसमें नहीं लगेंगे, क्योंकि घर का बना हुआ बेसन है, अपने हाथों से बनाया हुआ है तो ख़राब नहीं होता है। बाहर से लाते हैं तो वो पहले से पड़ा हुआ होता है, इसलिए उसमें जो है जल्दी कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो पूरा बेसन जो है मैंने यहाँ पर अंदर डाल दिया है, तो डिब्बा जो है यहाँ पर मेरा पूरा भर चुका है। और मित्तल ने देखते हैं यहाँ पर जो है फरमाइश कर दिए हैं कि मेरे लिए पहले पकोड़े बना दो थोड़े से, तो अभी जो है उसके लिए बनेंगे पकोड़े, क्योंकि हम लोगों के लिए तो सब्ज़ी और आटा जो है मैंने गूंथ के पहले से ही रख दिया था। तो अभी उसने पकोड़े की जिद की है तो थोड़े से जो है उसके लिए पकोड़े बना दूँगी। तो मैंने करीब 1 से 1.5 कप के करीब जो है बेसन ले लिया था, तो पकौड़े बन जाएगी आराम से उसके लिए, थोड़े थोड़े से जो है हम भी खा लेंगे। ये देखिए इतना बेसन जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है, बाकी बेसन को ढक्कन लगाकर रख देंगे। और आज मैं जो है एकदम सिंपल से पकोड़े बनाने वाली हूँ, इसका देखिए बैटर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, मसाले वगैरह जो भी मुझे डालने थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिंपल सादे से पकोड़े बनाऊँगी, क्योंकि मित्तल को ज़्यादातर इसी के पकौड़े पसंद हैं। तो बाकी बहुत से पकौड़ों की रेसिपी मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है, तो मैं यहाँ पर रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो ये देखिए पकौड़े जो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, और पकोड़े इतने टेस्टी बने थे फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊं, एकदम सिंपल पकोड़े थे, मित्तल को भी बहुत पसंद आए थे। हेलो फ्रेंड, तो अभी जो है पूरा घर का काम जो है क्लीन हो चुका है, और अच्छे से आज जो है काम बहुत ही लेट देर से ख़त्म हुआ है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सिला है एक ब्लाउज़, ये अपने लिए सिला है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। कलर मुझे जो है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था इसलिए ये लेकर आ गए, अस्तर वाला है, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी मैंने कटिंग की थी। आपके साथ में भी अगर हो सका तो वीडियो जो है ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी जो है बज रहे हैं घड़ी में, आप देख सकते हैं 4:30 का टाइम हो रहा है, मित्तल गई है ट्यूशन, और कपड़े भी देखिए यहाँ पर मैंने धुल के सुखा दिए हैं, बर्तन भी देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, और यहाँ पर बन रही है गैस पर चाय अपने लिए। तो आप भी आ जाइए फ्रेंड्स, पी लीजिए। तो चाय बन चुकी है, चाय को छान लेते हैं। मित्तल को जो है मैंने दूध गर्म करके दे दिया था, तो वो जो है दूध पी के जा चुकी हैं, तो अभी तसल्ली से चाय पियेंगे बैठकर।
तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, चाय पी लीजिए हमारे साथ में। आज बहुत ही ज़्यादा जो है थकावट हो रही है, बहुत काम था आज, और मित्तल जो है घर पे थी, बच्चे घर पे होते हैं तो आपको मालूम है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जो है टाइम लगता है, कुछ ना कुछ जो है इधर उधर वो करते रहती है। अभी जो फ्रेंड काफ़ी सारे जो सूट आए थे सिलने के लिए वो मैंने सारे सिल के रेडी कर लिए हैं, और अभी जो है थोड़ी देर के बाद चाय पीने के बाद जो है मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि सूट जो है मैंने किस तरह से सिले हैं, कैसा सबका मैंने जो गला बनाया है पूरा वीडियो शेयर करूँगी, और सारे सूट जो हैं अस्तर वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है उनका वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो पूरा वॉच करें फ्रेंड ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड चाय वगैरह पीने के बाद यही वही सूट हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इनको सिलाई की है। तो चार सूट है ये, और इसको आए हुए 10 से 15 दिन हो चुके हैं, बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो बीच बीच में जब भी टाइम मिला मैंने इन सूटों की कटिंग करके अच्छे से सिलाई कर दी है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से जो ये सूट सिले हैं, क्योंकि सारे जो है वर्क वाले और अस्तर वाले सूट हैं, और 2-3 तो के सूट के जो हैं गले भी बने हुए थे, तो ज़्यादा जो इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये है इसके ऊपर की सलवार, रेड कलर की है, इसका कपड़ा काफ़ी कम था, और इसका जो है मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो बहुत ही जल्द मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही कम कपड़े में जो है अच्छी खासी सलवार मैंने बनाकर तैयार की है। यहाँ पर है सेकेंड, ये इसके जो ये भी अस्तर वाले ही हैं, सारे सूट जो हैं अस्तर वाले हैं, लेकिन इसके नीचे जो है सलवार वगैरह कुछ भी नहीं आई थी, इसका गला जो है बना हुआ नहीं था तो मैंने बनाया है, इसका भी गोल ही गला बनाया है, और जितने भी सूट थे पूरी मैंने इसकी जो है लेंथ है वो रखी है। इस सूट में जो है ज़्यादा वर्क वगैरह नहीं है, हल्का सा जो है इसके अंदर वर्क किया हुआ है। और ये है तीसरा सूट, ये है डार्क पिंक कलर का, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, सिंपल सा वर्क है लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सूट। तो इसमें मैंने जो है नीचे का बॉर्डर जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, घटाया नहीं है, जितनी लेंथ थी उतनी ही रखी है, गला इसका मैंने गोल बनाया है। और ये है इसके नीचे की सलवार, इसका कपड़ा जो है काफ़ी अच्छा था और थिक भी था, और थोड़ा सा जो है इसकी लेंथ भी अच्छी थी, तो ये जो है फुल सलवार बन के रेडी हुई है। इसकी बाजू जो है मैंने फुल बनाई है क्योंकि इसका कपड़ा जो है अच्छा खासा था। तो ये देखिए 4th नंबर और सबसे लास्ट का सूट, तो ये देखिए इसका कपड़ा बहुत ही कम था, बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको बनाया है, और डैमेज भी इसमें बहुत ही ज़्यादा था। और ये जो है फुल वर्क वाला है, इसका गला जो है बना हुआ था तो मैंने उसी तरह से बनाकर तैयार कर दिया है। इसके नीचे जो है सलवार वगैरह नहीं थी। तो ये थे फ्रेंड्स वो 4 सूट जो मैंने सिल के तैयार किए हैं। तो एक बात फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी आप जो है मार्केट से सूट वगैरह ख़रीदें तो बहुत ध्यान से और देखकर ख़रीदें, इसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज वगैरह होता है और बहुत ही ज़्यादा छोटे पीस वगैरह होते हैं। अगर आपकी हेल्थ है बहुत ही अच्छी खासी तो फिर जो है ये सूट आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आप जो है बहुत ही ज़्यादा देख कर लें। जब मैंने ये सूट सिले थे तो इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत हुई थी। तो ये देखिए अभी जो है शाम का समय हो चुका है और मैं बना रही हूँ खाना, मित्तल जो है अभी आने वाली हैं। आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर नारियल की सब्ज़ी जो जिसे गोला कहते हैं राजस्थान में, तो ये राजस्थानी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्ट बनती है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से बारीक मिक्सी में पीस लिया है। तो देखिए इसका एक पाउडर सा बना दिया है, पूरा बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखेंगे तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही अच्छी और टेस्ट बनेगी। राजस्थान में ये सब्ज़ी जो है शादियों में बनाई जाती है, जब लड़कियों की शादी होती है उस समय जो ये सब्ज़ी बनती है पर्सनली उनके दामाद के लिए। शादी में चाहे फ्रेंड कितने भी जो हैं पकवान क्यों नहीं बन जाए, लेकिन ये सब्ज़ी जो है दामाद को ज़रूर खिलाई जाती है, बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो देखिए बड़े बड़े जो भी जो टुकड़े थे वो मैंने साइड में बाहर निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है लहसुन की कलियाँ, तो ये लहसुन की एक गांठ है बड़ी, इसको हम लेकर दरदरा सा कूट लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लहसुन को दरदरा सा कूट लिया है, लहसुन डालना ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए सब्ज़ी को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए
हमें यहाँ पर एक कटोरी ले ली है और इसके अंदर डालेंगे मिर्ची का पाउडर। तो यहाँ पर 3 चम्मच मैंने भरकर मिर्ची का पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच ले लिया है हल्दी का पाउडर, 2 चम्मच ले लिया है मैंने यहाँ पर धनिया का पाउडर, और स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा पानी डालकर फ्रेंड्स हम जो है इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। इससे होगा ये कि मसाले जो है हमारे अच्छे से फूल कर सेट हो जाएंगे और सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो जब तक देखिए हम तेल गर्म करेंगे तब तक ये मसाले जो हमारे फूल जाते हैं, इनको फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल देखिए हमारे यहाँ पर गर्म हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे हम जीरा, तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच जीरा डाल दिया है, लहसुन जो कूटा था वो डाल दिया है और अच्छे से करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद लहसुन को यहाँ पर हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो अभी देखिए लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब भी हम देखिए इसके अंदर डाल देंगे जो मसाले का हमने घोल बना के रखा था, वो अच्छे से फूल गया था, मसाले हमारे काफ़ी हद तक फूल चुके थे, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसालों और लहसुन की। अभी मसाले को हम यहाँ पर आधे मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम जो है हमारी यहाँ पर लो रहेगी और हमें इसे जो है बिना ढक्कन लगाए ही पकाना है, क्योंकि इस मसाले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा मिनट का जो है टाइम लगेगा। तो ये देखिए आधा मिनट हो चुका है और मसाले जो है हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अभी मैंने यहाँ पर डाल दिया जिस कटोरी में हमने मसाले का घोल बनाया था उसी के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर मसाले के अंदर डाल दिया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर आधे गिलास के करीब जो है पानी ले लिया है और इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगाकर पानी में जो है उबाल आने देंगे। ये देखिए पानी में जो है उबाल आ चुका है। अभी देखिए गैस की फ्लेम हम कर देंगे लो और जो नारियल हमने पीस के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से कर देंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसको 5 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट में ये सब्ज़ी जो है बनके रेडी हो जाती है, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको पकने में। तो देखिए 5 मिनट फिर से हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, बीच में आप जो है 1-2 बार और चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सब्ज़ी का बहुत ही प्यारा सा कलर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। गैस को अभी हम बंद कर देंगे और तो देखिए सब्ज़ी हमारी जो है बनके रेडी हो चुकी है। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है। ये सब्ज़ी पर्सनली मेरी सबसे फेवरेट सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा टेस्ट लगती है इसमें। ना तो आपको प्याज की ज़रूरत है, ना ही टमाटर की ज़रूरत है और ना ही आपको जो इसमें हरी मिर्ची की ज़रूरत है, ना ही धनिया पत्ती की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी ये सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा टेस्ट बनती है। तो एकदम सिंपल और सादे मसालों के साथ में जो है सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए सब्ज़ी यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी है। तब तक जो है मैंने यहाँ पर आटा भी गूंथ के रख दिया है। अच्छे से इसको ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए इसको सेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास में ज़्यादा टाइम है तो 10 मिनट या 15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो मित्तल भी अभी जो है आ चुकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स रोटियाँ भी हमारी जो है बन चुकी हैं। इससे बीच में जो है मैंने पूजा वगैरह कर दी थी, तो अभी देखिए ये जो बर्तन हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे, उसी के बाद में जो है बर्तन वगैरह वॉश करेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, खाना हमारा बनके रेडी हो चुका है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।